कैसे हैं आप सब। और स्कॉलरशिप की बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट करेक्शन के बारे में पूछा, सस्पेक्टेड डाटा के बारे में पूछा। मैंने आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दी है और आज एक नए करेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस करेक्शन से भी परेशान हैं। तो इस करेक्शन का कैसे निवारण करना है, कैसे उसका समाधान करना है। करेक्शन आपको बता दें, जो सस्पेक्टेड डाटा आज हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो है गैप का। गैप का, जैसे अप्लाई फॉर आईटीआई, अप्लाइड फॉर बीटेक, अप्लाइड फॉर पॉलिटेक्निक, अप्लाइड फॉर कोई भी कोर्स ले लीजिए आप, और मोर देन 6 ईयर गैप हाई स्कूल पासिंग, मोर देन 7 ईयर हाई स्कूल पासिंग, मोर देन 4 ईयर, मोर देन 3 ईयर। तो ये जो गैप आता है, आप एक कोर्स का स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं और आपके स्कॉलरशिप करेक्शन में सस्पेक्टेड डाटा में लिख के आता है कि आपका 6 साल का गैप है, 7 साल का गैप है, 5 साल का गैप है। तो चलिए हम आज बात करते हैं भाई गैप के बारे में। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, वीडियो पूरा सुनेंगे, स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, तभी आपको इस समस्या का समाधान आपका निकल जाएगा। और इसीलिए मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं कि सभी स्टूडेंट को मेरे हेल्प हो सके, उनकी सहायता हो सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब प्रश्न ये है कि ये लिख के क्यों आया, ये लिख के क्यों आया 6 ईयर गैप, 7 ईयर गैप हाई स्कूल पासिंग। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भाई। देखिए, लिख के इसलिए आता है, मैं समाज कल्याण में भी गया था, वहां पे मैंने पता किया इसके बारे में, तो जो मुझे बताया गया है मैं वही आपको जानकारी दे रहा हूं। होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट हाई स्कूल पास होते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ स्टूडेंट इंटर किए उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दिए। छोड़ दिए का मतलब होता है भाई, वो कोचिंग भी की तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, अपने जॉब के लिए या अपना जैसे जेई मेन है या अन्य कोई तैयारी करने के लिए अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं। अब इससे बहुत से स्टूडेंट हैं, इंटर के बाद सोचते हैं चलो यार मैं पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के थ्रू करूंगा, या बीटेक मैं जेई मेन के थ्रू करूंगा, या काउंसलिंग के थ्रू करूंगा, या चले गए राजस्थान कोटा पढ़ने चले गए। कुछ स्टूडेंट हैं पीएमटी सीपीएमटी नीट की तैयारी करने लगे। तो ये जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इंटर के बाद रुक जाते हैं सरकारी कॉलेज पाने के लिए। तो ये कुल कहने का मेरा मतलब है कि जब आप हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद अपनी पढ़ाई ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, उसके बाद ये लिख के आता है जब आप दूसरे कोर्स में अप्लाई कर देते हैं। भाई आप समझिएगा ध्यान से, आपने हाई स्कूल किया 2015 में, आपने पढ़ाई को अपने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अब आपको लगा कि 2020 में आपने नाम लिखाया या 2021 में आपने लिखाया, तो आपका जो गैप है ये गैप आ रहा है, इसीलिए ऐसा ये लिख के आ रहा था। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लिया कोई स्टूडेंट बीटेक की जेई मेन की तैयारी करने लगा, सोचा कि मैं जो है काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लूंगा, या इंटर के बाद बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं नीट की तैयारी करूंगा, मैं नीट निकाल लूंगा, अपनी पढ़ाई बाद में शुरू करूंगा। लेकिन होता क्या है, इन लोगों का नहीं निकलता है, जब न नीट निकला न बीटेक में एडमिशन हुआ, तब सोचते हैं कि चलो हम बीएससी ही कर लेते हैं या और कोर्स कोई कोर्स कर लेते हैं। तो ये हाई स्कूल का गैप हुआ आपका, क्या हुआ, हाई स्कूल का गैप हुआ। तो अब मान लिया कोई स्टूडेंट 2015 में पास हुआ, मान लिया कोई स्टूडेंट 2015 में पास किया हाई स्कूल या इंटर, और किसी कोर्स में दाखिला उसने नहीं लिया। उस वो स्टूडेंट ने क्या किया, 2021 में किसी कोर्स में दाखिला ले लिया। तो यहां क्या हुआ, गैप हो रहा 6 साल का, गैप हो गया। तो ये इसीलिए लिख के आ रहा भाई, इतने वर्षों का गैप, मोर देन 6 ईयर हाई स्कूल पासिंग, इसीलिए लिख के आ रहा है कि जो समाज कल्याण विभाग का पोर्टल है वो डाटा को पढ़ नहीं पा रहा है कि आपने पढ़ाई कंटिन्यू क्यों नहीं की है, क्यों आपने बीच में गैप किया। अब वो इसका जवाब मांग रहा है कि आपने क्यों अपनी पढ़ाई रोक दी थी। तो चलिए हम आप इसके जवाब के बारे में बता दें कि बहुत से स्टूडेंट मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके बारे में भी इसका पूछा है निवारण, कि सर इसका निवारण क्या होगा, इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए। तो आप सभी स्टूडेंट भाई बहनों के लिए मैंने बनाया है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो भाई देखिए, इसका जो समाधान है बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि
कि मैं कोचिंग की तैयारी कर रहा था, आपको एक कचहरी से या तहसील से एफिडेविट बनवाना है कि आपने जो गैप किया था वो क्यों किया था, उसका रीजन आपको उस एफिडेविट में दिखाना है। उसके बाद वो एफिडेविट और एक प्रार्थना पत्र लिख के अपने कॉलेज में आपको जाना है और वहां पे जमा कर देना है। वो जमा हो जाएगा, कॉलेज के द्वारा आपका फॉर्म समाज कल्याण विभाग भेजकर या अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भेजकर सही कराया जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आप कौन कौन सा पेपर लगेगा वो मैं आगे दिखा भी देता हूँ और आपको बता देता हूँ। आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म देना है प्रिंट आउट और एप्लीकेशन देना है, और जो आपने कचहरी से एफिडेविट बनवाया है वो देना है। इतना पेपर नथी करके आपको कॉलेज में जमा करना है। आगे मैं डिटेल आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसा कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। आप लोगों को ऐसा एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन अपोजिट अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सईदपत रायबरेली रोड लखनऊ, विषय स्कॉलरशिप, आवेदन फॉर्म में आए हुए करेक्शन को ठीक कराने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी जुगनू प्रसाद बिंद पुत्र श्री सूर्यलाल बिंद आपके कॉलेज आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में ITI प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैंने स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन किया है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना है। मेरे स्कॉलरशिप फॉर्म में अप्लाइड फॉर ITI कोर्स मोर देन 6 ईयर हाई स्कूल पासिंग करेक्शन दिखा रहा है। मैंने कक्षा 10 सत्र 2015 में किया है। सत्र 2015 के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दिया था। मैंने काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। अब मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया है। मैंने सत्र 2021 में ITI कोर्स में दाखिला ले लिया है। अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर कॉलेज में पूरा डॉक्यूमेंट लगाकर जमा कर रहा हूँ। अतः श्रीमान जी से मेरा नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आया हुआ करेक्शन संशोधन संध्यास्पद डाटा को सही कराने की कृपा करें जिससे मेरा स्कॉलरशिप आ जाए। यहाँ पे ये मैंने अपने बारे में बताया है, यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने अपना नाम बताया था और अपने कॉलेज का नाम लिखना है, यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया था। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ प्रार्थी नाम, पिता, कोर्स, जात, रजिस्ट्रेशन संख्या, ये आपके एप्लीकेशन का प्रोफार्मा दिखा दिया मैंने या सैंपल के तौर पे दिखाया मैंने। आगे दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से संदेहा इस पर डेटा को संशोधित करने के उपरांत निकालें, देखिए यहाँ पे लिखा है। और इस तरीके से आपको अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद जो है आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगाना है। ये देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट भी मैंने दिखा दिया, यहाँ से नाम ब्लर है, आप नाम नहीं देख पाएंगे। ये इतना पेपर आपको लगा के अपने कॉलेज में जमा करना है। आपको कचहरी से एक एफिडेविट भी बनवाकर जमा करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको जो करेक्शन आया था आपका कैसे सही करना है आप समझ गए होंगे। जितने भी करेक्शन अलग अलग हैं, मैंने सभी प्रकार के करेक्शनों का वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। सभी स्टूडेंट अपना करेक्शन वहां से देखकर और सही कर सकते हैं। कौन कौन सा पेपर लगाना है आपको, पेपर के बारे में भी मैंने डिटेल सभी वीडियो में दिखाया है। आप पूरी जानकारी वहां से लेकर अपना समाधान कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ न समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी स्कॉलरशिप की योजना का लाभ मिल सके। हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।